आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, नून लीग के रहनुमा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगु कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मेरी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसके हमारे कुछ कंसर्न केसेज हैं जो ऑनरेबल कोर्ट में चल रहे हैं, तो मैं एजी ऑफिस में कंसल्टेशन के लिए आता रहता हूँ, आज भी उसी कंसल्टेशन के लिए आया। अब जो सवाल पूछे आपने ओवरऑल सिचुएशन का, तो मुझे उस पर सच्ची बात है आज मैंने मीडिया टॉक नहीं करनी थी, पहले तो ज़रा मुझे लोगों को बताने दें कि आपने मुझे घेर के यहाँ खड़ा कर लिया सब। बहरहाल आपसे हम भाग नहीं सकते थे इसलिए मैं आ गया हूँ बात करने के लिए। पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 बरस से मुसलसल ऐसी ही सिचुएशन, जो मीडिया से अब कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, तो जो मीडिया के ज़िम्मेदार हिस्से हैं और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे रात को फिर गालियाँ निकालेंगे। एक मिनट मम्मी, ये बात कभी पूरी कर दें, मैं आपको मौका दूंगा, मैं जल्दी में नहीं हूँ, अब आपने मुझे घेर लिया है तो मैं आपकी बात का जवाब दे के जाऊँगा। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग एक दूसरे को करप्ट, लुटेरा, डाकू कह के सियासी तौर पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को इनफेक्ट सर्व नहीं कर रहे, बल्कि वो लोगों को इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर आते, अब हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम की बुनियाद पर आएंगे। ये जहालत की सियासत है, और आप सोशल मीडिया पे जो एक जाहिलों की पूरी एक लश्कर जरार है, पढ़े लिखे जाहिलों का, जो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो भले ना सुने, मगर पाकिस्तान का आम वोटर और जो सोच समझ के फैसला करेगा उसको जो मैंने बात किया वो ठीक लगेगी, क्योंकि हम इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं, हम कारकर्दगी, अच्छी या बुरी कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासत आगे नहीं बढ़ रही। जो हम बढ़ाना चाहती थी PMLN, जो नवाज शरीफ साहब बढ़ाना चाहते थे, उसको नाकाम करने की कोशिश की है, जिनमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है, क्योंकि उनका तजर्बा नहीं है, वो ये समझते हैं रुसवा करके, इल्ज़ाम लगा के, बहतान लगा के, गद्दा करके, या अपने मुखालिफ का कद छोटा करके वो लंबे हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। अब बात करें, आप तो सवाल कर चुके हैं, अब सवाल नहीं किया, बोल रहे थे सवाल करें। जी जी जी, सर मैं एक सप्लीमेंट इनके साथ, इतने सवालों का मैं इकट्ठे जवाब नहीं, नहीं यार बात पूछ लेना भाई, मेहरबानी यार, मैं बंदा है एक एक करके पूछो यार, अब मैं पहला भूल गया हूँ सवाल। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे थे सर, जो आपने बात की, साजिश वाली बात है उसके बारे। अच्छा ठीक, पहला वो सवाल आपने दो किए, आपने एक सवाल किया और एक आपने किया, तो पहले आपके सवाल का जवाब। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों की एक तारीख है, मैंने तो नहीं वो लिखी, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये एक सच है, और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना पोटेंशियल है कि अगर हम स्टेबल हो जाएं और कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, और अगर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए और हम आइन और कानून के नीचे सारे लोग काम करें, तो पाकिस्तान को पकड़ा नहीं जा सकता, और पाकिस्तान दुनिया की जो टॉप की इकॉनमीज़ हैं अगले 10-12-15 साल में उनमें जा सकता है। अब जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या जो हमारे नज़रिए को पसंद नहीं करते, नज़रिए को, पाकिस्तान के नज़रिए को, या हमारे वजूद पर जो जिन्हें तकलीफ़ है पाकिस्तान के वजूद की, जाहिर है वो तो कभी नहीं चाहेंगे ये मुल्क मजबूत हो, अपने पाँव पे खड़ा हो, और कशकोल लेके हम रोज़ डॉलर मांगने चले जाते थे, भिखारी बने हुए थे हम पूरी दुनिया में, तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया के कुछ ताकतवर ताकतें हमें भिखारी बना के रखना चाहती हैं, इसलिए कि जब फिर उन्हें ज़रूरत पड़े तो हुकूमत बिछ जाए और वो उसके ऊपर से गुजर के अफ़गानिस्तान में जाके कभी कब्ज़ा कर लें, कभी किसी और मुल्क पे जाके आप कब्ज़ा कर लें। ये मेरी एक मिनट यार, एक है, अच्छा मैं देखता हूँ कैमरे की। तो ये गुजारिश ये है कि ये एक तलख हकीकत है कि इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बाहर से साजिशें की गई। पाकिस्तान में एक मसला है हमारे साथ, बाज़ हम में से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं सिर्फ हम ईमानदार हैं, बाकी सारे बेईमान हैं, ये एक अजीबो गरीब गज़बनाक किस्म की अप्रोच है, ऐसा नहीं है, कहत है मगर इतना बड़ा कहत भी नहीं है, वरना तो ये मुल्क चल ही ना सकता। इसी तरह बाज़ लोग हैं उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया हुआ है कि सियासतदान तो होते ही चोर हैं,
और उसमें सियासतदानों ने भी बड़ा किरदार अदा किया एक दूसरे को ख़राब करने में। उससे लोगों के अंदर एक मायूसी आती है। कभी लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है, फिर लोग सोचते हैं पॉलिटिकल सिस्टम आया ये तो इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं, तो हमने चीज़ों को गड़मट कर दिया है, उस गड़मट से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आपका क्या सवाल था? इंतखाबात आ गया। देखिए कानूनी ऑप्शन की बात ये है, कानून की जंग जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ी जाती है, इट इज़ ए सेट प्रोसीजर। सो जो JIT की रिपोर्ट है जिस पे हमारे शदीद एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को हमारे कानूनी मशीर मरतब कर रहे हैं ताकि अदालत उज़्मा में अपने एतराज़ात जमा करवाए जाएं और फिर कानून के साथ जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक चला जाएगा। चला कानून के साथ ही जाएगा, कानून से अलग नहीं चला जाएगा, क्योंकि JIT पर हमारे एतराज़ थे, रिजर्वेशन थे, लेकिन हम मुसलसल JIT के अंदर पेश हुए, क्योंकि पेश ना होना नामुनासिब था कि बहरहाल वो एक अदालती हुक्म के तहत मारज़ वजूद में आई थी। इसी तरह कानून के फैसले को सबको मानना पड़ेगा, आपके हक में भी फैसला आ सकता है, आपके ख़िलाफ़ भी आ सकता है, इससे अदालतों को कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन जिनके बारे में फ़ैसला किया जाता है उन्हें अपने आप को मैच्योर तरीके से कंडक्ट करना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। और सियासत का एंड नहीं है, सियासत का एंड इस तरह होता भी नहीं है। सियासत का एंड उस वक्त होता है जब आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं, कोई आपको सियासत से कभी निकाल नहीं सकता, ये बात हमें मालूम है। इसलिए मैच्योरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, सियासी जंग भी लड़ेंगे। सियासी जंग इसलिए लड़नी ज़रूरत और मजबूरी है, हमारे सियासी मुखालफीन चूँकि तमाम पिछले ज़िमनी इंतखाबात में और एजुटेशनल पॉलिटिक्स में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, अब वो सब मिलके बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा कि वो बोलेंगे और हम चुप रहेंगे, और हम अपना मौक़िफ और अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे पराए में करें। और मैं मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स को ये दरख्वास्त करता हूँ आपके ज़रिए कि इनकी गालियों का जवाब दलील से दें, गाली का जवाब गाली से ना दें। काश इमरान खान को भी ये तौफीक होती कि वो अपने ये जो गाली बरदार उसके सपोर्टर हैं उनको कहता कि भाई गालियां निकालने वाला वो होता जो दलील की ताकत नहीं रखता। मैं PMLN के हामियों को कहूँगा पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो लोग उसको यूज़ करते हैं, गाली का जवाब गाली से ना दें, किसी मुखालिफ सियासतदान के मज़ाक का खेज कार्टून मत बनाएं, और अगर आपके लीडर के मज़ाक का खेज कार्टून बनते हैं, गालियाँ पड़ती हैं, उसका जवाब हौसले और मतानत से दें ताकि आप में और गाली देने वाले में फ़र्क वाजे हो जाए। यही फ़र्क है जो आपको 2018 के इलेक्शन में कामयाबी दिला दे। नौनली के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना तालिफीन को इंतखाबात के एक साल के बाद इंतखाबी धांधली नजर आई, पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों की एक तारीख है।